बट जैसा आपको दिन में था उससे 5 मीटर अभी तक हमारा बाहर आ गया है, 8 मीटर लेफ्ट है। अभी हमने 15-20 मिनट पहले उसका एक छोटा सा रिव्यू लिया था जिसमें उन्होंने 19.2 मीटर ड्रिलिंग कर दी है। आज का थोड़ा सा रिलीफ ये है कि जो आप लोगों को बताया गया था 2 बजे कि हमारा 13 मीटर बाकी है, उसके बाद में 2.96 मीटर 5:22 मतलब 5:30 बजे के अराउंड निकल गया था, उसके बाद 1.94 मीटर हमारा 7 बजे के आसपास निकल गया है। तो अभी जो बचा हुआ है ओगर के अंदर जो टूटा हुआ ओगर है 8.15 मीटर। तो जैसा आप देख रहे हैं कि जैसा बताया गया था कि बाकी मशीनरी जाने से और जो एडिशनल प्लाज्मा कटर आया या उन लोगों को और एडिशनल सपोर्ट आ गई तो उसकी वजह से, तो होप सो मतलब जो स्पीड चल रहा है वो ठीक चल रहा है। अभी तक और कोई ऐसा हर्डल आया नहीं, तो उम्मीद है कि जो काम चल रहा है उसी प्रगति से चलता रहा तो हम लोग वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए पॉजिटिव साइन। तो अच्छा चल रहा है। समय सीमा अगेन फिर आप पूछेंगे, कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि जैसे समय सीमा के बारे में कोई भी गैस या प्रिजम्पशंस की जाती हैं वो सब एक जस्ट प्रिजम्पशन ही होती है, कोई श्योरिटी नहीं होती। तो बट फिर भी जो पहले से आप लोगों को बताने का ये था कि जो पहले था उसे तकरीबन डबल स्पीड अब उसका हो गया है। तो ये तो है हमारा रिगार्डिंग जो ओगर का पार्ट फंसा हुआ है अंदर जो होरिजेंटल जा रहे हैं। वर्टिकल वाला जो काम चल रहा है मैं चाहूंगा एमडी सर को कि वो आपको इसके बारे में अपडेट करें। थैंक यू नीरज, नमस्कार। जैसे दिन में भी हमने बात की थी, जो SJVNL का काम है जिसको हम वर्टिकल ड्रिलिंग कह रहे हैं, उसका काम काफी जोरों शोरों से चल रहा है और काम अच्छा ही चल रहा है। अभी हमने 15-20 मिनट पहले उसका एक छोटा सा रिव्यू लिया था जिसमें उन्होंने 19.2 मीटर ड्रिलिंग कर दी है। आपको याद होगा कि दिन में मैंने आपको बताया था कि टोटल हमें 86 मीटर ड्रिल करना है। जो पहली मशीन लगी है जो SJVNL ने लगाया है, तो इसमें हम लगभग हमारी अनुमान है कि 40-45 मीटर ड्रिलिंग वो कर पाए। उसके बाद हम दूसरी मशीन उसमें लगाएंगे और शायद ड्रिलिंग रिग वही रहे ताकि समय थोड़ा बच पाए, लेकिन उसका केली हम बदलेंगे और वो थोड़ा हेवियर कैपेसिटी का होगा जो कि 90-95 मीटर तक जा सकता है। बट हमारा जैसे मैंने बताया अनुमान है कि 86 मीटर ही हम ड्रिल कर पाएंगे। हमने इसके लिए 4 दिन का समय रखा है और आज 26 है, तो हम 30 तारीख का सोच रहे हैं कि ये इसकी ड्रिलिंग कंप्लीट हो जाए। और इसका स्पीड पेस ठीक चल रहा है, हमें ज्यादा अभी तक बाधाएं या कोई कठिनाई नहीं है, अभी तक हमें कोई अड़चन वगैरह ऐसे नहीं आई है। उम्मीद रखें कि वो वैसे ही चलता रहे और हमारा काम जल्द से जल्द पूरा हो सके। सर, फूड पाइप के बारे में एक और अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पे था, वो कितनी चली गई है? कई सारी रिपोर्ट्स हैं इसको लेकर, एक्चुअल फिगर क्या है और कितना वो अंदर जा चुकी है जो कम्युनिकेशन लाइन के लिए सेटअप आप कर रहे थे या बाकी चीजों के लिए वर्टिकली? फूड पाइप देखिए ऐसा है कि पहले तो हमारा था ही पहले से, एक हमने 2-4 दिन पहले जो हमने ऑल्टरनेट फूड लाइन या लाइफ लाइन जो हम कहते हैं वो हमने थ्रू किया, उससे लगातार हम फ्रेशली कुक्ड फूड पहुंचा रहे अपने साथियों को जो अंदर हैं, और कई किस्म के उसमें जो फल हो या रोटी सब्जी दलिया सब पहुंचाया जा रहा है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि हम स्टॉक भी काफ़ी कर रहे हैं, तो 10-12 दिन 15 दिन के लिए भी हम स्टॉक कर रहे हैं, तो रेगुलरली फूड पहुँचाया जा रहा है अंदर। सारे हमारे जितने भी वर्कर्स हैं सब अच्छे स्पिरिट्स में हैं और वो ठीक से हैं। जो भी उन्हें और कोई कभी कोई कुछ खास कोई मांग करता है तो वो भी हम उनको पहुँचाते हैं। वर्टिकल फूड पाइप, वर्टिकल जो ऊपर से आप कर रहे हैं ड्रिलिंग सर, उसमें जो 8 या 6 to 8 inches वाली जो पाइप आप उसे डाल रहे हैं उसका क्या स्टेटस है सर? नहीं, वो देखिए अभी हम बेसिकली उसको हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो SJVNL की जो पाइप जा रही है उससे पहले ये एक छोटे डायमेंशन का पाइप जाए ताकि हमें स्ट्राटा का थोड़ा अंदाज हो। जैसा आप लोगों को पहले ही बताया गया है, नो वी कांट प्रिज्यूम कि इतने बजे तक हो जाएगा, बट जैसा आपको दिन में था उससे 5 मीटर अभी तक हमारा बाहर आ गया है, 8 मीटर लेफ्ट है।
सो वी कांट से कि 8 घंटे लगेंगे या 5-7 घंटे लगेंगे या 10 घंटे लगेंगे, बट वी आर होपिंग कि जिस स्पीड से चल रहा है उस स्पीड से जल्दी ही, मतलब अगर कोई और अड़चन नहीं आती है, जैसे एक पीस उन्होंने 3 मीटर का किया, 3 मीटर का पीस कट तो कर दिया लेकिन अराउंड 30-45 मिनट्स उसको पुल करने में एडिशनल लग गए. सो अगेन देर आर डिफरेंट थिंग्स. उन्होंने मतलब दे ट्राइड कि ज्यादा लंबा पीस कट किया जाए तो उसका वेट ज्यादा हो गया था तो उसको पुल करने में लग गया, ऑन एन एवरेज वो एवरेज आउट हो गया. नाउ द लास्ट पीस विच दे हैड कट इज 1.94 मीटर्स. सो इफ यू प्रिज्यूम तो आप इसके हिसाब से आइडिया एक लगा सकते हैं, लेकिन वो दिस जस्ट ए टेंटेटिव आइडिया होगा, बट उससे 2-4 घंटे ऊपर नीचे हो सकता है. दैट इज व्हाट लाइक वी आर होपिंग.